नमस्कार। तरह तरह के जायकों की तलाश में आज हम मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर में हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ग्वालियर का किला है। मानसिंह तोमर, राजा मानसिंह तोमर ने इसे बनवाया था। ग्वालियर के बारे में तरह तरह की बातें मशहूर है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ के एक राजा हुआ करते थे सूरत सेन, उनको एक बहुत बड़ी बीमारी लग गई थी, तो एक फ़कीर थे, उन्होंने उनका इलाज किया जिससे वो ठीक हो गए। फ़कीर का नाम था ग्वालीपा, तो उनके नाम पर इस शहर को बसाया गया। हकीकत जो भी हो, इतिहास जो भी कहता हो, आज ग्वालियर एक ऐसी मिसाल है हमारे सामने जहाँ तरह तरह के राजघरानों ने राज किया। ये ग्वालियर का सबसे व्यस्त इलाका है, बिजिएस्ट व्यस्ततम इलाका है। इसका नाम है महाराज बारा। यहाँ पर बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं। विक्टोरिया हॉल है, टाउन हॉल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारतें हैं, उसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस है यहाँ पर। विक्टोरिया मार्केट जो है बहुत अच्छी खूबसूरत इमारत थी, कुछ साल पहले इसमें आग लग गई। बीच में एक पार्क है जिसमें जियाजी राव की मूर्ति लगी हुई है। एक यहाँ नाट्य मंदिर भी है जहाँ पर मराठी नाटकों का मंचन हुआ करता था। ऐसा कहते हैं कि मध्य प्रदेश में आकर पोहे से बचना मुश्किल है। पोहा खाया जाता है, पोहा। आप इंदौर जाएँ, चाहे आप बुरहानपुर जाएँ, पोहा आपको ज़रूर कहीं ना कहीं मिलेगा। ग्वालियर में एक जगह है काजल टॉकी, वहाँ का पोहा बहुत मशहूर है। हम वहाँ चलते हैं, देखते हैं उसका जायका कैसा है। आइए चलते हैं। ये ग्वालियर का बहुत ही बिजी इलाका है। इसका नाम है फालका बाजार। फालके साहब एक सरदार हुआ करते थे सिंधिया परिवार के। इसके ठीक पीछे काजल टॉकीज हैं। काजल टॉकीज के पीछे ये अग्रवाल पोहा भंडार बहुत मशहूर है, ग्वालियर में बहुत मशहूर माना जाता है। और नाम क्या आपका? पीयूष अग्रवाल। पीयूष अग्रवाल मुझे पोहा खिलाएंगे, खिलाइए। पोहा प्याज भुजिया मसाला और धनिया, देखते हैं जायका कैसा है। सादा सुच्चा पोहा है और क्या लगाना है? और इनका जो मसाला है वो उसको तीखा बनाता है, वरना पोहा अपने आप में हल्का फुल्का है। बहुत बढ़िया। कभी आपको ग्वालियर आना हो तो फालका बाजार में अग्रवाल पोहा भंडार, पीयूष के हाथ का पोहा ज़रूर खाइए। आइए आगे चलते हैं। चलिए, ये ग्वालियर का पाटनकर बाजार है। यहाँ छोटेलाल कचौरी वाले बहुत मशहूर हैं। इनकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती है, ना कोई बोर्ड है ना कोई विज्ञापन है। ये हमारे शहरों की खासियत है कि जो जगह परिवारों को पसंद आ जाए उन्हें किसी बोर्ड की किसी विज्ञापन की ज़रूरत नहीं होती। आइए देखते हैं यहाँ की कचौरी का जायका कैसा है। इस दुकान पर जैसे कि आप देख रहे हैं समोसे हैं, कचौरी है, इमरती है और साथ में पप्पू कुशवाहा है। पप्पू साहब बताइए क्या खासियत है आपके समोसे की? ये आदमी को गर्म गर्म माल मिलता है, बढ़िया माल मिलता है, दिक्कत नहीं आ रही है, सच ये है। खिलाइए आप हमें समोसा, खिलाइए। मिल मिल जहाँ बदले पानी है एक रंग नया सा, स्वाद भला फिर क्यों ना बदले, बदल नहीं जब भाषा। हमारी शहरी जिंदगी से जैसे टांगे खत्म हो रहे हैं, मर्दों का जो सर का पहनावा है टोपी या पगड़ी वो खत्म हो रही है, वैसे दोने भी खत्म हो रहे हैं। दोने में कचौड़ी है, समोसा है, ऊपर आलू की सब्जी और चटनी है। देखने में बहुत दिलचस्प है, देखते हैं जायका कैसा है। अंग्रेजी में अक्सर कहा जाता है समथिंग टू डाई फॉर। वाकई ये जायका ऐसा है, समथिंग टू डाई फॉर। दोने में समोसा, आलू की सब्जी, चटनी और गरम गरम एकदम ताज़ा, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा जायका है ये। कभी भी आपका ग्वालियर आना हो तो पाटनकर बाज़ार में यहाँ ज़रूर आइए आप और यहाँ का जायका लीजिए। आइए अब आगे चलते हैं। India's number one news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display. Full screen view, faster response time, and Sudoku.
NDTV's new iPad app. Download now.